बंद करो, बंद करो, उन्हीं खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो, उन्हीं खेल। देखिए आज का जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट था, ये दीपू कुमार जो हमारा जम्मू का उधमपुर का रहने वाला लोकल डोगरा था, ये अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर गया था। मगर आज का जो हालात है यहां पर, जो डोगरों की किलिंग पिछले एक दो साल से हम देखने को मिल रही हैं, तो इसका नतीजा साफ है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। आज डोगरा मर जाता है तो भी बीजेपी नहीं बोलती, ये कब बोलेगी? यहां पर यूटी बना दी गई और जम्मू के डोगरों का सत्यानाश कर दिया, तब भी नहीं बोली। आज डोगरों की किलिंग हो रही है तो तब भी बीजेपी नहीं बोलेगी। ये कहते हैं यहां पर जो 20 जो सम्मेलन हुआ उसकी वजह से, मुख्यमंत्री के चक्कर में नहीं है, ये वो चक्कर है। दीपू कुमार की फैमिली को ये इंसाफ मिलना चाहिए, कम से कम 25 लाख रुपया उनकी फैमिली को देना चाहिए और उनके घर को कम से कम एक नौकरी, क्योंकि उसका जो भाई है वो भी अंधा है, बाप उसका बुजुर्ग है, वो अकेला एक सहारा था उसके घर का चलाने वाला। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है, जो लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और उनको जब टारगेट किलिंग के नाम पर ये अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, ये अच्छा नहीं। हम बीजेपी से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि जो जम्मू का लोकल डोगरा होगा उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। ये पिछले कितने दिनों से, पिछले 2 साल से साजिश चल रही है, मगर बीजेपी डोगरों के नाम पे भी चुप बैठेगी तो लोग कतई इनको माफ नहीं करेंगे। जो हमारी दीपू जी की डिमांड है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, उनके घर को जायज मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 25 लाख रुपया, और एक घर के जो उनके नौजवान हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको नौकरी मिलनी चाहिए।